कोरोना के बाद अब एक और वायरस ने देश में हड़कंप मचा दिया है। देश के कई राज्यों में H3N2 इन्फ्लुएंजा नाम के एक वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा है। H3N2 वायरस से देश में पहली मौत भी दर्ज की जा चुकी है। इस वायरस से हरियाणा और कर्नाटका में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश भर में इस वायरस के कारण होने वाले फ्लू के 90 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि लोगों में फ्लू के लक्षणों की व्याप्तता मौसम में तेजी से बदलाव के कारण भी हो रहा है। H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। यह एक सांस से संबंधित वायरल इन्फेक्शन की तरह है, जो हर साल बीमारियों का कारण बनता है। वायरल के बढ़ते प्रकोप के बाद कानपुर के सरकारी अस्पतालों में अभी भी वायरस की जांच करने की उपलब्धता नहीं है। जिला अस्पताल के CMS शैलेंद्र तिवारी का कहना है कि यह वायरस खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए नॉर्मल वायरस की तरह अस्पतालों में मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, वायरस तो खतरनाक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक जो हम लोग को खबर मिलती है अखबारों के द्वारा या जो मेडिकल कॉलेज के द्वारा, उसमें कहा गया कुछ प्राइवेट केसेस H3N2 के मिले हैं नर्सिंग होम में। हमारे यहाँ चूँकि अभी जांच नहीं हो रही है, ना मेडिकल कॉलेज जांच कर रहा है, जांच की व्यवस्था भी नहीं है, तो हम लोग अभी इसको H3N2 नहीं मान रहे हैं। नॉर्मल वायरस की तरह इलाज हो रहा है, नॉर्मल निमोनिया की तरह इलाज हो रहा है। CMO साहब से बात की है कि अगर जांच व्यवस्था चालू हो जाएगी तब वो क्लियर बता पाएंगे कितने केसेज हैं और क्या होना चाहिए। सिम्टम्स सेम है, जैसे वायरल निमोनिया होता था, जैसे कोविड हो गया, जैसे स्वाइन फ्लू था 2011 में, या तो खांसी जुकाम होगा या फिर निमोनिया हो जाएगा। तो उसके साथ निमोनिया के साथ अलग इलाज है, खांसी जुकाम का रूटीन में जो होता है इलाज है, इस तरह का। अभी तक कोई हमें बहुत ज़्यादा हमें डेथ नहीं हुई है वायरल निमोनिया से कि हम लोग इस पर थोड़ा विचार करें। नहीं, थोड़ी अलग है, कोविड से अलग है। कोविड में तो छूने से हो जाता था, वो था, इसमें ये नहीं है। इसमें सिर्फ खांसी जुकाम ट्रांसफ़र होता है जब आप किसी के सामने खांसते हैं, उसी तरह जुकाम की तरह ही फैलता है। इन्फ्लुएंजा टाइप का वायरस होगा। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, कानपुर तक।